आलिया जी, सबसे पहले मुझे एज अ फैन व्यूअर मैं बात करूँ, मुझे ऐसा लगा कि कुछ वक्त और आपको देना चाहिए था उस घर में, क्योंकि सडनली ये जो हफ्ता जो मिड वीक से जो आपकी जो गेम थी, कुछ बदलाव आया और आप खुल के आ रहे थे, थोड़ी बहुत आपने बातें भी की। आपको क्या लगता है कि आपको और समय मिलना चाहिए था उस घर में क्या, और किस तरह फेयर लगा ये इविक्शन, अनफेयर लगा आपके लिए? देखिए, मुझे तो सच बोलूं, मुझे लगता कि हाँ मैं खुल के आ रही थी। मैंने पहले से ही कहा था कि मैं बहुत जल्दी खुलती नहीं हूँ किसी के साथ भी, थोड़ा वक्त लगता है मुझे। बट हाँ, मुझे ये फेयर नहीं लगा, क्योंकि इस तरीके से मुझे निकलना था वो मेरे लिए बड़ा तकलीफ रहा है। बट एक अच्छी चीज़ मेरे साथ ये हुई कि निकलने के बाद लोगों के नज़रिया बहुत बदले हैं, ऑडियंस का नज़रिया बहुत बदला है, जो कि बहुत पॉजिटिव रहा है मेरे लिए। सो विच इज़ वेरी गुड मेरे लिए कि लोग ने एक अच्छा सोचे है मेरे लिए, वो जानना चाह रहे थे मेरे बारे में शायद, या मेरी पर्सनालिटी को जैसा भी देखना चाह रहे थे, वो शायद मैं दिखा रही थी। सो उसी बीच में वो मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो गई, क्योंकि मुझे लगा कि जो गलत चीज़ हो रही है तो मैंने उसके लिए आवाज़ उठाया। सो शायद मेरी आवाज़ को दबाया जाने की कोशिश कर रहे थे, और वही हुआ कि मैं खुल के इसी वजह से आगे नहीं आ पाई। टास्क की मैं बात करूँ, सबसे पहले टास्क जो पुनीत, काफ़ी पुनीत को लगा कि काफ़ी अनफेयर हुआ, मुझे पुनीत का तो पता नहीं, मुझे एक हिसाब से जो पूजा जी को सबसे जो लास्ट आई घर पे, उनको सबसे ज़्यादा करेंसी दी और उनको अंदर गए, वो कितना फेयर था आपके लिए कि उनको सबसे हाईएस्ट करेंसी, ना जनता से कुछ उन्होंने बात की, वो जनता के पैनल में बैठे थे, वो आपके लिए कितना एक वर्ड होता है नेपोटिज्म, वो कितना लग रहा था आपको? बिल्कुल सही कहा, पुनीत का तो देखिए मैंने पहले दिन भी साथ दिया था, जब इन उसको नॉमिनेट किया था तो पूछा गया था कि कौन चाहते हैं उसको उसके सपोर्ट में, तो मैं खड़ी थी उसके सपोर्ट में। वो क्रिएटिव बंदा है, इसमें कोई शक नहीं है, वो उसका सपोर्ट मैंने पहले भी किया, पर कुछ चीज़ें उसकी गलत थी, कुछ चीज़ें जैसे मुझे भी लगा कि मैं उसको समझाती थी, वो मेरी बात समझता भी था, आप तो वो मुझे बोलता भी था, हंस के निकल जाता था, थोड़े टाइम के बाद फिर वही हरकत करता था वो सेम चीज़। उसको बिग बॉस के लिए गलत बोलना या कुछ चीज़ें वो बहुत ज़्यादा हो गई थी उसकी, बट वो इंसान बहुत अच्छा था, मुझे लगता कि वो खेलता तो शायद बहुत आगे जाता, क्योंकि उसकी चीज़ें थी इंटरटेनमेंट, मस्ती, मजाक, वो पूरे माहौल में अकेला सिंगल एक आदमी लेके जा सकता था। बट उसको भी निकालना, वो कुछ जगह मुझे सही लगा, कुछ गलत इसलिए लगा कि जैसे कि पूजा जी ने मुझे आके बोला कि उसने बाथरूम इतना गंदा किया, जो कि मुझे नहीं पता था। सो मैंने फिर बोला कि यदि उसने ऐसा किया है तो 100% गलत किया, उसकी क्या इंटेंशन थी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बाथरूम में जाके नहीं देखी कि क्या कंडीशन थी, बस मुझे उन्हीं के लोग के ग्रुप के लोगों ने बताया कि इतना गंदा बाथरूम था। मैंने अभिषेक से भी पूछा कि बाथरूम इतना गंदा था उसने वाकई में करके गया, तो अभिषेक ने बोला दी मुझे नहीं पता कि क्या था, बट मैं अभिषेक तो खड़े थे हम उसके साथ में, और कुछ चीज़ों में था वो ओवर, बट मुझे लगता है उसको होना चाहिए था। मतलब बाथरूम की मैं बात करूँ, एक छोटा सा मुद्दा था, मुझे ऐसा लगा कि हो जाता है कभी, ये बाथरूम नहीं तो मेल के बाथरूम में आप चले गए, उसको लेके कोई बड़ी बात बनाने की कोशिश थी घर वालों की तरफ से, आपको ऐसा लगा कि आपने बोला कि मैं भूल गई, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, तो आप अगर कुछ बताना चाहोगे तो उस पर क्या होगा? हाँ जी, सो देखिए, मैं पहली बात तो मैं खुद रूल्स बहुत फॉलो करती थी, जहाँ मेरी गलती होती थी तो मैं बिग बॉस को खुद बोलती थी आई एम सॉरी, मेरे से गलती हुई है, और बहुत सारी चीज़ें थी कि मैं उस टाइम अभिषेक की तबीयत ख़राब थी, उसके कुछ कपड़े उसको धोने थे उसके पास थे नहीं, सो मैंने ली मैं जा रही हूँ धोने, तो मुझे दे दे मैं धो देती हूँ तेरे कपड़े, क्योंकि मुझे उससे प्यार, एक ब्रदर वाला फीलिंग्स आ गई थी और मुझे उसके साथ अच्छा फील हो रहा था। मैंने ठीक है मेरा भाई है, ठीक है कपड़े धो देती हूँ, हालांकि मुझे भी नहीं आते हाथ से धोते कपड़े, सच बताऊँ मैंने अपनी लाइफ में हाथ से तो नहीं धोए हैं कपड़े, दुनिया का सब काम कर सकती हूँ बस कपड़े नहीं धो सकती हूँ, क्योंकि वो जो बैट के प्रॉब्लम होती है ना ऐसे ऐसे करके, वो मुझे भी नहीं आता। बट मैं धो के निकली और उस टाइम पे मेरे टाइम ऐसा चल रहा था कि मैं वो शावल लेके वो सैनिटरी पैड भूल गई, दरवाजे के पीछे था, और एकदम मैंने कॉर्नर पे रखा था कि बाथरूम कहीं गंदा नहीं होना चाहिए, कहीं कॉर्नर पे मैंने साइड में रख दिया, और मैं निकल गई कपड़े लेके, शावर लेके, सब सामान अमान उठा के बाहर निकल गई। उसके बाद मुझे आकांक्षा आके बोलती कि तुमने ऐसा किया, क्योंकि वो मैंने लिया ऑफकोर्स मैं ही नहीं किया होगा, क्योंकि मैं ही नहीं रख के आई थी। फिर मैं भागी, तुरंत मैं भागी, झाड़ू उठाई और पूरा लेके सर्फ सर्फ से पूरा बाथरूम धोया। धोने के बाद मैंने सॉरी बोला, बट उस सॉरी के बाद उनके दिमाग में इतनी नेगेटिविटी थी मुझे लेके कि मैं उस चीज़ से शॉक्ड होगी कि औरत को कितना बदनाम आप पब्लिकली कर रहे हो। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि
अब चूंकि बात आई है तो बोलना पड़ेगा, वरना मैं कभी नहीं ये बात बोलती। बट उन्होंने मुझे इस चीज़ का मुद्दा कि इसकी इंटेंशन थी, पूजा जी को परेशान करना चाहती थी, पूजा जी को यू नो ये नीच औरत है इस तरीके की जो हरकत किया, वो मुझे बड़ा तकलीफ हुई। लिटरली मुझे बहुत तकलीफ हुई कि मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी। मैंने पहले भी कहा यदि मुझे करना होगा तो मैं मुंह पे रख के आ जाऊँगी, सामने रख के आऊँगी, मुझे डर नहीं लगेगा किसी से। बट मुझे ये छोटी हरकत से मैं बड़ी नहीं बन सकती हूँ। मुझे जो गलत लगा तो मैं नॉमिनेशन में मैंने उनका नाम लिया, बट ये छोटी चीज़ नहीं कर सकती हूँ मैं। तो उनके दिमाग में ये था, इसका मतलब आप सोच सकते हो, मतलब आप भी कहीं ना कहीं ऐसी हरकत करते आए होगे, तभी आपने सोचा है। सो मुझे ऐसा लगता कि ये जो चीज़ें हुई है वो बहुत ही छोटी हरकत थी। इन पूजा जी ने आपको एक नाम से भी पुकारा, जो काफ़ी लोगों को लाइक आपके जो फैंस को है वो काफ़ी अनफेयर लगा, विक्टिम कार्ड। आपको कितना लग रहा था कि वो नाम आप डिजर्व नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप जो थे, आपने मैंने देखा कि आपने जो डिस्कशन भी किया, आपने ऑन पॉइंट डिस्कशन किया, फिर जो नवाज सर की मैं बात कर रहा हूँ, फैमिली को लेके, बच्चों को लेके डिस्कशन किया, छोटे बेटे को लेके डिस्कशन आपने किया कि वो थोड़ा समझदार नहीं है, ये सारे डिस्कशन आपने किया। तो आपको क्या लगता है, ये सारे डिस्कशन जब हम देखते हैं 24 घंटे में देखते हैं, जब एक एपिसोड आता है तब देखते हैं, और ये एक नाम आता है, तो कितना अनफेयर हो जाता है आपके? देखिए पूजा जी, विक्टम जो कार्ड उन्होंने मुझे यूज़ किया नाम, वो खुद यूज़ कर रही हैं। जब मैंने उनको नॉमिनेट किया, उन्होंने बोला मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ। सो किसने यूज़ किया वो तो सबको ऑडियंस को पता है। आप पूजा भट्ट हो, आपकी खुद की पहचान है, आप खुद इतने बड़े स्टार रहे हो, आपको ज़रूरत नहीं है महेश भट्ट जी का नाम लेने की। मुझे ज़रूरत हो सकती है नवाजुद्दीन का नाम लेने की, क्योंकि मेरी कोई पहचान नहीं थी। तो विक्टिम कार्ड तो आप खेल रहे हो, आप दुनिया को दिखा रहे हो, मतलब आपकी खुद की कोई पहचान ही नहीं है, आप महेश भट्ट जी का क्यों नाम ले रहे हो? आप बोलो ना मैं पूजा भट्ट हूँ, खुल के बोलो सारी चीज़ें। क्योंकि मैंने आपका गलत चीज़ का साथ दिया तो आप मुझे डरा के बोलोगे मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ तो मैं डर जाऊँगी? मैं किसी से नहीं डरने वाली हूँ, मैं डरने वाली लड़की हो ही नहीं। मेरा जो नेचर है मैं अपनी बात रखूँगी, पहले भी रखी और हमेशा रखती आऊँगी। चाहे सलमान जी ने भी मुझे बोला हो, मैंने उनको सॉरी बोला, पर वहाँ वो भी गलत थे, क्योंकि सलमान जी ने और भी तो लोग बोलते आए हैं, उनके लिए तो कोई बात नहीं किया, और भी तो लोगों ने बात किया, उनके लिए नहीं बात किया, आपने टारगेट किया, क्योंकि आप एक स्टार और एक स्टार का सपोर्ट कर रहे हो। सो मैं उस जगह पे बोलूँगी कि यहाँ पर ये सब चीज़ें है इंडस्ट्री में, जो चल रहा है वो सारी चीज़ें वो है इंडस्ट्री में। मैं तो बोलूँगी, खुल के बोलूँगी, मुझे डर नहीं लगता इस चीज़ से, तो है इंडस्ट्री में। आपने अब जो नॉमिनेशन का टास्क था उसमें साइरस को आपने नॉमिनेट किया था, काफ़ी लोग शौक थे आपने और अभिषेक ने, और अभिषेक को जब कारण पूछा तो अभिषेक ने कहा कि मुझे और समय चाहिए पूजा, बट मुझे और ऐसा समय चाहिए तो मैं उनको नॉमिनेट करता हूँ। आपका रीज़न भी कुछ डिफरेंट था। आपको ऐसा नहीं लगता कि कई हद तक पूजा जी साइरस की जो गेम है, जो नेचुरल गेम है, वो दबाने की कोशिश कर रही है, और एक जो ग्रुप बन रहा है साइरस जी, पूजा जी, फलक और अभी अविनाश भी बोल सकते हैं वो ग्रुप में, उसमें प्रोफेसर का किरदार वो कई हद तक निभा रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है? देखिए मैंने आने के बाद तो नहीं देखा उनका कि ये सारी चीज़ें क्या चल रही है, बट साइरस जी को जितना भी मैंने देखा वो एक कठपुतली की तरह नाच रहे हैं पूजा जी के कहने पे। सो वो इंटेलिजेंट आदमी है, इतने मजाकिया इंसान है, खुश रहने वाले इंसान है, हालांकि वो बहुत, उनकी एक डिमांड है, उनको खाना चाहिए। हम लोग अपना खाना छोड़ के, हमने अपना खाना, हम लोग को चिकन, मुझे तो एवरीडे चिकन चाहिए, बट हमें लगता था ठीक है यार, एक आदमी की नीड है, वो एक्सरसाइज करो, छोड़ दो, जाने दो जाने दो। हम लोग ने सबने कॉम्प्रोमाइज़ किया उनके लिए, बट मुझे लगता उनको भी समझदारी से चलना चाहिए कि हम ऐसे हालात में आए हैं जहाँ हमें सर्वाइव करना है, हमें अपनी चीज़ों को थोड़ा कम करना चाहिए, अपनी डिज़ायर, अपनी चीज़ें। यदि मैं बोलूँ कि यार मैं तो बिस्तर में सोती, आप मुझे ज़मीन पर क्यों सुला रहे हो? मुझे बिस्तर दिया था बट मैं उस एनर्जी बेबिका के साथ नहीं सो सकती थी। एक दिन के बाद मैं नीचे अपना सोफे में, जहाँ मेरा पैर आधा फिट निकल रहा था, पूरी रात मेरा पैर सुन्न रहता था, पर मैं उसके साथ नहीं सोना चाहती थी। फिर फाइनली मैं नीचे जाके सोने लगी, तो मैं भी बोलूँ नहीं यार मैं तो बिस्तर में सोती थी, मुझे भी खाना चाहिए। बट हर सिचुएशन ऐसी थी कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। इसलिए नहीं कि आप कहाँ से आए हो, क्या खा रहे हो, उस जगह कहाँ हो वो मैटर करता है। एक टाइम ऐसा आया था कि हम एक एक कप, हमने खिचड़ी भी खाया सबको, हमने एक एक कप, भाई मैं ही दूंगी, सबको एक एक कप ही दूंगी,
मुझे भी भूख लगती थी, मेरी भी डाइट है, बट हमने कॉम्प्रोमाइज किया। तो ये सब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें हमें घर में रख के आनी चाहिए यदि हमें इस गेम में आना है तो। आलिया जी, पर्सनल लाइफ को आपने काफी डिस्कस किया, जिसमें एक पॉइंट मुझे आपसे जानना है कि जो सेकंड मैरिज को लेके आपने बोला कि मैं अपनी लाइफ में कभी सेकंड मैरिज के लिए रेडी नहीं हूँ, और एक तस्वीर आई थी कुछ समय पहले, बिग बॉस के भी समय पहले, उस चीज को लेके क्या कुछ कहना चाहोगे सेकंड मैरिज को लेके, मूव ऑन को लेके आपका क्या जवाब रहेगा? देखिए, मैंने खुल के बताया था, और मैंने वो चीज़ पोस्ट इसलिए कि मेरी इंस्टा में मैंने कभी पर्सनल अपनी चीज़ नहीं रखी, और ना मेरी लाइफ में पर्सनल कोई चीज़ थी। और जब आई, मैं उस शख्स के साथ बहुत खुश हूँ, और मुझे नहीं पता ये रिश्ता कितने दिन का है, बट जितने दिन भी है मैं खुश हूँ उसमें। और ऑफकोर्स मुझे एक पार्टनर चाहिए लाइफ में खुश रहने के लिए, मेरी भी लाइफ है, आगे बढ़ रही है। इसका मतलब थोड़ी नहीं कि मैं एकदम अब मेरा डिवोर्स हो गया तो मैं बस यही करने वाली, नहीं, मुझे भी एक पार्टनर चाहिए, मुझे भी उसके साथ खुश रहना, मेरा भी दिल करता घूमने का, मेरा भी दिल करता है कॉफ़ी पीने का, वाइन पीने का, किसी के साथ का टाइम गुजारने का, तो गलत क्या है? ये मेरी चाहत है, मेरी ख्वाहिश है। तो मैंने अपनी बात रखी लोगों के सामने, हाँ रही बस शादी के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, और मैंने इसको खुल के भी बात किया है। सो ऐसा कुछ नहीं, शादी मैं नहीं कर सकती हूँ, अब इस जन्म में तो नहीं कर सकती हूँ शादी। आलिया जी, एक आखिरी सवाल, कल एक रिपोर्टर ने नवाज सर से पूछा था आपके इविक्शन पे, उन्होंने इग्नोर किया और वो चले गए, आपका क्या टेक है इसमें? देखिए, वो उन्होंने इग्नोर किया, क्या पूछा मुझे तो पहली बात तो ये ही नहीं पता। नहीं, उन्होंने एक रिपोर्टर ने नवाज सर से कहा कि आप मिड इविक्शन हुए, आप घर के बाहर आ चुके हैं, ये सवाल था। उन्होंने हाथ जोड़ा और वो चले गए, उन्होंने कम्प्लीटली इग्नोर किया, तो इस पे आपका क्या टेक है? वो उनका अपना पर्सनल है, उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, उनके दिमाग में क्या होगा, क्या चीज़ें, मैं सच बताऊँ वो चीज़ मैं नहीं बोल सकती हूँ। थैंक यू सो मच। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.